जय हिंद। नमस्कार, ग्लोबल मंथन न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है 6 नवंबर 2024 को सुबह देश राज्यों से खबरें। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। उत्तर प्रदेश के मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकारें हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं कब्जा सकती। IPL ऑक्शन 24 से 25 नवंबर को। शुरुआती रुझान में तेजी से जीत की ओर आगे बढ़ रहे ट्रंप, कमला हैरिस की धीमी रफ्तार। पहली खबर, जयशंकर बोले, बॉर्डर से पीछे हटी भारत चीन सेना, जल्द मिलेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री और NSA, 21 अक्टूबर को समझौता हुआ था। दूसरी खबर, भारत जैसा जातिगत भेदभाव दुनिया में कहीं नहीं, तेलंगाना में बोले कांग्रेस सांसद। तीसरी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर है। उन्होंने भारत में कथित तौर पर होने वाले जाति आधारित भेदभाव को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। राहुल की टिप्पणी पर सियासी हंगामा होने के आसार है। चौथी खबर, सेवानिवृत्ति से पहले बोले CJI चंद्रचूड़, आत्मा चिंतन अहम। जस्टिस खन्ना बोले, न्याय सुलभ बनाने का प्रयास। पांचवी खबर, BJP के संगठन में बड़ा बदलाव, जल्द लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नए दौर में संघ के साथ समन्वय। छठी खबर, महायुति का विजन, महाराष्ट्र 2029, शिंदे की 10 गारंटी, किसानों का लोन माफ, हर महीने 25 लाख नौकरियां, छात्रों को 10,000 रुपए महीने का वादा। सातवीं खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज शरद पवार की याचिका पर सुनवाई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित गुट को भरी चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग। आठवीं खबर, उद्धव ठाकरे ने कहा कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को महाराष्ट्र से प्रेम करने वालों और इसे धोखा देने वालों के बीच की लड़ाई है। ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी भाजपा और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय पार्टी की मदद कर रहे हैं वे महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। नौवीं खबर, शिवसेना UBT प्रमुख ने दावा किया कि उनकी सरकार जून 2022 में इसलिए गिरा दी गई क्योंकि उन्होंने भाजपा को महाराष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। उन्होंने कहा कि जब उनके नेतृत्व में MVA सत्ता में थी तो एक भी औद्योगिक परियोजना राज्य से बाहर नहीं गई। दसवीं खबर, महाराष्ट्र में BJP का बड़ा एक्शन, पार्टी का अनुशासन तोड़ने वाले 40 नेताओं को किया निष्कासित। ग्यारहवीं खबर, झारखंड में भी चुनावी रेवड़ी की वितरण पर इंडिया अलायंस, आरक्षण पर बड़े वादे के साथ दी 7 गारंटी। बारहवीं खबर, महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए, गरीबों को 450 रुपए में सिलेंडर, आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड, झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने 7 गारंटी का ऐलान किया। तेरहवीं खबर, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का निधन, छठ गीतों से पहचान मिली, पर्व के पहले दिन दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। चौदहवीं खबर, गुजरात के आनंद में बुलेट ट्रेन ट्रैक का निर्माणाधीन पुल गिरा, 2 मजदूरों की मौत, 1 गंभीर घायल, 1 की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंद्रहवीं खबर, अयोध्या, रामलला को लगने लगी सर्दी, गर्म पानी से स्नान हुआ शुरू, भोग में रबड़ी और पोहे के साथ मेवे भी शुरू हुए। सोलहवीं खबर, इंडियन ऑयल का दूसरी तिमाही में मुनाफा 3.8 गुना बढ़ा, ये 420 करोड़ रुपए से बढ़कर 2016 करोड़ रुपए हुआ, प्रति शेयर 3 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। आज का बुलेटिन यही समाप्त करते हैं। देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।